नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा है। 26 और 27 मई को दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। 26 की शाम को दिल्ली पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत। चुनावी रणनीति पर होने वाली बैठक में वो शामिल होंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है। और दरअसल देखिए, तारीख पर तारीख, राजस्थान कांग्रेस में अब नई तारीख की जबरदस्त चर्चा है। 26 मई को लेकर कांग्रेस नेताओं में सियासी चर्चा है कि दिल्ली में राजस्थान को लेकर होनी है अहम बैठक। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें शामिल होंगे। आगामी चुनावी रणनीति पर बैठक में मंथन होना है। वही सियासी दावा है कि पायलट का भविष्य भी इस बैठक में तय होगा। इसी बीच सुधीजनों के सवाल है कि क्या मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, तो जवाब आता है कि सीएम गहलोत की कार्यशैली है अलग, बाएं हाथ के काम का दाएं हाथ को भी नहीं होता है अंदाजा। उधर रंधावा भी कह चुके हैं कि चुनावी रणनीति के लिए होगी ये बैठक। वहीं पीसीसी चीफ को नए सहयोगी मिलने की भी बात सामने आ रही है। चुनावी साल में संगठन में नए लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी। कार्यकारी अध्यक्ष समेत दूसरे पदों पर जो जिम्मा है वो मिल सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ में शशिमोहन शर्मा जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, अब तारीख पर तारीख जो है वो सामने आ रही थी, पहले दूसरी तारीख थी, अब 26 तारीख की वक्त तारीख जो है मुकर्रर की गई है, तो क्या माना जाए, क्या कुछ मंथन इस बैठक के दौरान होगा? 26 और 27 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। उनका दौरा इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश में चुनावी साल है और 26 को बीजेपी के मुकाबले रणनीति में बढ़त बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इलेक्शन स्टेट्स की मीटिंग कर रही है। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यानी जिन राज्यों में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन राज्यों के पीसीसी चीफ, सीएलपी लीडर, अगर जहां पर सरकार है वहां मुख्यमंत्री और संगठन के जो प्रदेश प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है। आगामी चुनावी रणनीति पर मंथन होगा, किस तरीके से पार्टी चुनाव में बढ़े, क्या संगठन में और ज्यादा सपोर्टिंग हैंड्स की जरूरत है, क्या अगर कहीं गुटबाजी बनमुटाव कहीं है तो उसको कैसे दूर करना है, किस तरीके से विपक्ष के आरोपों का हमलों का जवाब देना है और विपक्ष को घेरने के लिए क्या रणनीति बनानी है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन दिल्ली में रहेंगे। 26 की शाम को ये बैठक होगी और उसके बाद में 27 को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनका मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है। शशि, अलग अलग जो कयास है वो इस बैठक को लेकर लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि मुख्यमंत्री गहलोत भी शामिल होंगे। क्या मंत्रिमंडल फेरबदल पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक के अंदर, या फिर कांग्रेस में जो संगठन में बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है उसको लेकर चर्चा? देखिए दीपक, संगठन में नए पदों के ऊपर नियुक्तियां होनी है, ये बात सही है। सचिव तकरीबन 50 के आसपास की संख्या में बनाए जा सकते हैं चुनावी साल होने के कारण से। लेकिन जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार का या फेरबदल का सवाल है, तो मंत्रिमंडल में 30 पद होते हैं और वो सभी 30 पद अभी पूरे हैं। अगर कोई संभावना हुई तो फेरबदल करना होगा और उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विशेषाधिकार होता है। हालांकि पिछले दिनों बताया जा रहा है कि अनौपचारिक बातचीत के दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने मुख्यमंत्री से कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल का एक विस्तार या फेरबदल करना चाहिए, तो सीएम ने ये भी कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और इसको कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं उनके ऊपर भी पार्टी लगातार ध्यान दे। और उसके बाद से लगातार कभी महंगाई राहत कैंप में, कभी सरकार की चौथी सालगिरह में, बजट में, इन सब कामों में मुख्यमंत्री व्यस्त रहे, इसलिए ऐसा कोई समय नहीं मिला। अभी मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के आगामी 15 दिन में कोई संभावना नहीं दिखती है, लेकिन दिल्ली दौरे के बाद अगर पार्टी आलाकमान की तरफ से कोई बात ऐसी आई तो मुख्यमंत्री उस पर भी विचार करेंगे और उसके बाद ही तय होगा कि किस तरह का फेरबदल किया जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, 26 की बैठक, बहुत बहुत शुक्रिया शशिमोहन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी शशिमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे।